हाय गाइस, आई एम प्रतीक फ्रॉम कंट्रीसाइड इंडिया। और शाम को हम पूरा वैली में रुके थे, यही वो सुंदर जगह है जहाँ पे हमने कैंपिंग की थी। तो लाइक एक बार मैं आपको 360 व्यू दिखा दूँ यहाँ का। तो अभी हमने फाइनली अपनी बाइक वगैरह तैयार कर ली हैं, टाइम आ चुका है कि इस सुंदर जगह को हम गुड बाय बोलें और यहाँ से आगे और अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करें। तो यहाँ से हम श्योक के रास्ते जा रहे हैं पेंगोंग। ये भी काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है और श्योक का रास्ता भी बहुत ज़्यादा सीनिक और बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम उसके लिए। अभी टाइम हो चुका है, लगभग 9 बज गए हैं। तो हमें यहाँ से अराउंड 180 किलोमीटर है, तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है और कौन सी रास्ते में सुंदर सुंदर जगह आती है जहाँ पे हम रुक सकते हैं। सो गाइस, नुब्रा से पेंगोंग और फिर पेंगोंग से ले अराउंड 340 किलोमीटर की राइड है और इस बीच में हमें कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिलता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जब हम नुब्रा से चलें तो हम अपनी बाइक की टैंक फुल करवा लें और अपने साथ एटलीस्ट 5 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी कर लें। नुब्रा से पेंगोंग जाने के लिए हमें खलसर विलेज से अराउंड 5 किलोमीटर बाद डाइवर्जन लेना होता है और उसके बाद हम श्योक नदी के साथ साथ श्योक विलेज तक चलते जाएंगे। इस रोड का भी अपना एक डिफरेंट चार्म है क्योंकि ये रोड स्लाइटली लेस डेवलप्ड है, जिस वजह से यहाँ राइड करना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन ये खूबसूरत व्यू और हल्का हल्का एड्रेनलिन रश खाली इस रोड पर हमें मिलेगा। इस रोड पर राइड करते हुए ऐसा लग रहा है मानो कि नीचे कोई डिफरेंट फ्लोर्स का बुके है और धीरे धीरे हम उसकी तरफ जा रहे हैं। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग पर। सो इस रोड पर काफ़ी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग्स हैं और पीक समर सीजन में जब स्नो बहुत ज़्यादा मेल्ट होती है तो आमतौर पर ये रास्ता बंद भी हो जाता है। लेकिन अगर हम ऑटम सीजन में राइड करते हैं तो इस रास्ते पे वाटर क्रॉसिंग कंफर्टेबल होती हैं, उस समय हम आराम से वाटर क्रॉसिंग के थ्रू भी राइड कर सकते हैं। खलसर विलेज से श्योक विलेज अराउंड 70 किलोमीटर्स की राइड है, लेकिन इस छोटे स्ट्रेच में ही हम इतनी बार डिफरेंट लैंडस्केप्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं कि मानो ऐसा लगता है जैसे हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में और ऐसे हम दुनिया बदल बदल कर कहीं जा रहे हैं। कुछ स्पॉट्स तो इतने खूबसूरत थे कि किसी का भी मन ललचा कर कहेगा कि मंजिलों को भूलकर इस पल में ही थम जाता मैं, अगर ये वक्त की बंदिशें ना होती तो। अब वक्त की बंदिशें तो छूट नहीं सकती, तो इस पल को ही अपने से समेट कर चलता जाऊंगा मैं। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं इस रोड के सबसे इनफेमस स्ट्रेच पर जहां समर्स में मेल्टेड स्नो और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और रोड काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है राइड करने के लिए। लेकिन अगेन ऑटम में ये एकदम सेफ है और थोड़ा सा बस रफ पैच आएगा, लेकिन वाटर क्रॉसिंग या फिर लैंडस्लाइड की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो हम सिर्फ ऑफ रोडिंग करके यहाँ से चल रहे हैं, लेकिन समर्स में श्योक का पानी रोड पे आ गया होता है तो हम लिटरली श्योक में से राइड करके आगे जाते हैं।
सो गाइस हम पहुंच चुके हैं मैजिकल विलेज में, और मैजिकल इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा कुछ खूबसूरत नहीं देखा था, और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि कोई चीज़ इतनी खूबसूरत हो सकती है। लेकिन यही स्पेशलिटी है लद्दाख की कि वो हमें हमेशा अमेज करता रहता है अपनी एग्जिस्टेंस के साथ। श्योक विलेज लगभग नुब्रा और पेंगोंग के रास्ते में सेंटर में आता है, और इसलिए एक अच्छा रेस्टिंग स्पॉट हो सकता है, और हमने खाना यहीं खाया था और कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमने अपनी राइड कंटिन्यू की। सो गाइस अंदर से लगभग 100 किलोमीटर राइड करके हम आ पहुंचे हैं श्योक विलेज, और श्योक विलेज लास्ट विलेज जहाँ पे हमारे साथ श्योक नदी साथ साथ में चलती है। अब इसके बाद हम लोग लाइक एक पास लेके दुर्बुक चले जाएंगे, और श्योक जहाँ से आती है लाइक गलवान वैली, तो ये वहाँ तक जाते रहेगी। तो और अभी इस रास्ते पे लाइक खलसर से श्योक तक बीच में खाली दो विलेज आते हैं, एक अगम और दूसरा श्योक, और काफ़ी खाली रास्ता लगता है और बहुत कम लोग इस रास्ते पे होते हैं, और खाली दो विलेज हैं, तो वही दो जगह हैं जहाँ पे हमें खाने वगैरह के लिए कुछ मिलेगा। लेकिन राइड बहुत ही जॉयफुल होती है, सिंगल लेन रोड है, लेकिन साइड पे श्योक नदी है, लाइक लंबे लंबे पहाड़ हैं, तो वो सब चीज़ें इस राइड को भी बहुत स्पेशल बनाते हैं। तो अब हम इस ब्यूटीफुल विलेज और इस ब्यूटीफुल श्योक वैली को गुड बाय बोलेंगे, और यहाँ से हम चल पड़ेंगे दुर्बुक, और वहाँ से फिर हम जाएंगे पेंगोंग की तरफ। तो चलो अभी ये एक लास्ट टाइम मैं दिखा देता हूँ, और यहाँ से जो गलवान वैली जिसको हम सुनते रहते हैं, वो भी उसका रास्ता भी यहाँ से ही जाता है। यहाँ से श्योक विलेज से लगभग 100 किलोमीटर दूर है गलवान वैली, तो यहाँ तो शायद अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं ये लोग हमें जाने के लिए, लेकिन मे बी लेटर कभी हमें मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं विलेज दुर्बुक, और ये गांव भी लद्दाख के बाकी गांव की तरह बहुत सुंदर है, लेकिन इस गांव की खूबसूरती काफ़ी फैसिनेट करती है मेरे को, क्योंकि छोटा सा गांव है, गांव के बीच में से एक स्ट्रीम जाती है, गांव में ज़्यादा घर नहीं है, बहुत ज़्यादा फार्म लैंड है, और वो इस गांव को एक अलग ही चार्म देता है। लद्दाख के मेन स्ट्रीम एरियाज के विलेजेस में एब्रप्ट डेवलपमेंट की वजह से उनमें जो लद्दाखी टच, लद्दाखी चार्म था, वो एक किस्म से ख़त्म हो चुका है। लेकिन मेन रोड पर होने के बावजूद दुर्बुक के मड थैच हाउसेस और खुले खेत इसकी रस्टिक फील जिंदा रखते हैं, एंड विद द होप ऑफ एक्सप्लोरिंग लद्दाखी लाइफस्टाइल वी स्टॉप। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं दुर्बुक, और दुर्बुक मेन टाउन या मेन विलेज से 4 किलोमीटर पीछे ही हमें एक बहुत ही अच्छा होम स्टे मिल गया, तो अभी हमने लाइक रूम वगैरह सेलेक्ट कर लिया है, तो हम यहीं रुकेंगे, बहुत ही सुंदर विलेज है, तो अभी हमने खाली रूम सेलेक्ट किया है, तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे पेंगोंग। तो इसीलिए हमने, क्योंकि रात को वापस यहीं आना है, तो सामान हमने यहीं रख दिया है, तो उसके बाद लाइक हम थोड़ी देर पेंगोंग घूमेंगे,
और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। और पेंगोंग नहीं रुकने का ये रीज़न था क्योंकि अभी लाइक अक्टूबर चल रहा है तो लाइक ऑटम है तो इस समय काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो पेंगोंग एल्टीट्यूड भी ज़्यादा है तो वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर हम वहाँ रुकते हैं। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम दुर्बुक में ही रुकेंगे। और ये गाँव सुंदर था, होम स्टे सुंदर लगा, लाइक आस पास सराउंडिंग सुंदर है, थोड़ा पीसफुल है, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम यहीं रुक जाएंगे। तो अब हम थोड़ी देर में यहाँ से चलेंगे। अभी टाइम हुआ है लगभग 1:30। यहाँ से पेंगोंग 50 किलोमीटर है, लेकिन जो होमस्टे वाले भी हैं वो बता रहे हैं कि रास्ता एकदम ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो गाइस दुर्बुक में ही हमें एक लाइक कुछ लोकली जो कैसे ये अपने लिए ग्रेन्स जो हैं उन्हें पहले लाइक रोस्ट करते हैं और कैसे उसका आटा बनाते हैं वो देखने को मिला। तो अभी हार्वेस्टिंग लगभग ख़त्म हो चुकी है तो हम सच में लकी हैं कि ये सब हमें देखने को मिल रहा है। तो चलो बात करते हैं हम अनले से। जुले अनले जुले तो ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? सत्तू बना रहे हो? अच्छा तो ये सारा आपका खेती का है। सो गाइस ये बेसिकली बार्ले के ग्रेन्स हैं और बार्ले को हार्वेस्टिंग के बाद रोस्ट करके उसे पानी वाली चक्की में डाल कर उसका आटा बनाते हैं जिसे सत्तू कहते हैं। और फिर सत्तू को अलग अलग लद्दाखी डिशेस में एज अ स्टेपल फूड कंज्यूम किया जाता है। सत्तू किस किस में इस्तेमाल करते हो? खोलक बनाते हैं और चशुल। और भी लद्दाखी डिशेज हैं जैसे कि छूता घी, स्ट्यू, खम्बीर, जिनमें सत्तू का इस्तेमाल होता है। और अगर हमें ये ट्राई करना है तो या तो हम किसी एथनिक रेस्टोरेंट में जा सकते हैं और या फिर होम स्टे में हम इसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये थोड़े से रोस्टेड बार्ले, तो इसे स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स जैसे तो नहीं है लेकिन इसे यहाँ का सुपर फूड बोलते हैं कि बार्ले जो भी है। तो ये हम थोड़ा सा साथ में रख लेंगे और अभी हम चलते हैं पेंगोंग। सो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं चंगथंग एरिया के ग्रासलैंड्स में। तो यहाँ पर अगर हम समर सीज़न में आए तो हरियाली होती है लेकिन ये शेड भी काफ़ी सुंदर है। समर्स में नोमैड भी यहीं रहते हैं और उनके फ्लॉक ऑफ शीप, गोट और याक यहीं ग्रासलैंड्स में अलग अलग जगह ग्रेज कर रहे होते हैं और वो इस जगह को और एक अलग ही माउंटेनियस चार्म प्रोवाइड करते हैं। तो गैस अब हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पर जहां से पेंगोंग का फर्स्ट व्यू आता है और इसी के साथ हमारी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। जितना नीला लद्दाख का आसमान है उतना ही नीला पेंगोंग का पानी है। तो एक मिनट के लिए तो ऐसा लगता है जैसे आसमान ही ज़मीन पर आ गया हो। सो गैस पेंगोंग का हेवनली व्यू तभी आता है अगर आसमान क्लियर होगा। तो अगर आसमान क्लाउडी है तो उनकी शेडो की वजह से पेंगोंग का इतना सुंदर व्यू नहीं आता है और इसीलिए शायद ऑटम में पेंगोंग विज़िट करना सबसे सही रहेगा क्योंकि इस समय क्लाउड नहीं होते हैं और पेंगोंग को हम कंप्लीट हेवनली ब्लिस में देख सकते हैं।
गाइस ऑटम का एक ड्रॉबैक है कि जब तक सनशाइन रहेगी तब तक तो वेदर प्लेजेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही सनशाइन जाती है टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो जाता है और उस वजह से ठंड बढ़ जाएगी और राइड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ टाइम पेंगोंग में स्पेंड करने के बाद हम वापस दुर्बुक आ गए। थे समर डेज होमस्टे दुर्बुक में, तो एक बार मैंने सोचा कि आपको टूर करवाता हूँ। ये बहुत ही सुंदर जगह थी और लाइक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा रुकने का यहाँ पर। तो सबसे पहले लाइक हम कंपाउंड से शुरू करते हैं कि ये बाहर सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं। यहाँ पे अनले काम कर रहे हैं, अनले जुले जुले, तो अनले फिर से रोस्ट करना वाले को शुरू कर दिया है अनिल ने। और यहाँ की जो सराउंडिंग्स थी वो भी बहुत सुंदर थी, तो इसीलिए मैंने सोचा जो चीज़ अच्छी लगे तो शेयर करनी चाहिए। तो ये हमारा गांव आ गया, तो लाइक ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा लाइक फार्म लैंड है, तो यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं। और नीचे से एक व्यू आ जाता है, तो अभी आमतौर पर यहाँ पर ये लोग बारे लगाते हैं, तो अभी तो यहाँ पर लाइक हार्वेस्ट कर चुके हैं ये बाले को, तो अभी खाली हैं खेत, लेकिन तो अभी बहुत सुंदर लगता है ये एरिया, लाइक येलो येलो शेड्स, अलग अलग शेड में पूरा गांव रंग गया हुआ है। तो और फील्ड के जस्ट उस पार और पहाड़ों के जस्ट नीचे ही एक छोटी सी स्ट्रीम जाती है और बहुत क्लियर पानी है उसका, और पूरी रात उसकी आवाज़ आती रहती है रूम तक, तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वही नेचुरल सराउंडिंग्स अट्रैक्ट करती हैं, फील गुड करवाती हैं, तो वही चीज़ इस जगह को स्पेशल बनाती है। तो अब हम लोग रूम पे चलेंगे। होमस्टे में रहने का ये एक फ़ायदा हो जाता है कि लोकल वे ऑफ लिविंग हमें अच्छे से पता चल जाती है। तो यहाँ जो घर हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल होता है ताकि ठंड से बचा सके, और लकड़ी जो है लोकली अवेलेबल है, इसीलिए घरों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं घर बनाने में। और ये शायद ऊपर वाले जितनी जगह है यहाँ पे पूरे में इन्होंने लाइक रूम बनाए हैं होमस्टे के लिए, और हम लोग रुके थे इस रूम में, दो लोगों के लिए बेड, एक एक्स्ट्रा बेड जो हमने लगवाया था, तीन लोग थे हम टोटल। और अच्छा स्पेशियस रूम है, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी है, और लाइक खिड़की से व्यू भी अच्छा है, लेकिन हमने किसी ने हिम्मत नहीं की खिड़की खोलने की क्योंकि रात को बहुत ठंड थी। बोनफायर जलाया था बाहर, वहाँ बैठे थे और उसके बाद आके डबल डबल कंबल लेके चुपचाप सो गए। कल डिनर में दाल चावल सब्जी और दही था तो काफ़ी टेस्टी थे, लेकिन आज ब्रेकफास्ट में हमने डिमांड किया है कि कुछ लोकल कुछ एथनिक ट्राई करें, तो देखते हैं अब क्या बनता है आज। सो गाइस होमस्टे की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पूरी एक एथनिक लद्दाखी किचन है, तो यही बात के हम लोग खा रहे हैं। और आज का जो ब्रेकफास्ट है हमारा, हमने स्पेशल डिमांड पे एक तो लाइक ब्रेड टोस्ट और ब्रेड ऑमलेट, ये सब चीज़ें तो प्रोवाइड करते हैं ये, तो हमने इनको बोला था कि कुछ एथनिक हो जाए, कुछ लोकल ब्रेकफास्ट बनाया जाए, तो वो जिगमित भाई ने लाइक कुछ बनाया है, तो वो हम उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे हमें क्या स्पेशल चीज़ क्या है यहाँ की आज की ब्रेकफास्ट की। भाई लोग जिगमित भाई अब हमें बताएंगे ब्रेकफास्ट के बारे में, तो अच्छा ये है क्या है और ये बना कैसे है ये बताओ। वैसे तो मेरे मेनू में ब्रेड ऑमलेट था, लोकल डिश खाने का मन, ठीक जैसे ये चशुल बना है, ठीक है, जो सत्तू डाला है, अच्छा जो वाइट वाइट दिख रहे हैं उसमें वो थोड़ा चीज़ डाला है, अच्छा, और बटर भी डाला है, जी जी जी, और लोकल बटर टी डाला है, लोकल बटर टी इससे बना के। और बोलते हैं ये लाइक सत्तू बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है ना, क्योंकि इसमें चीज़ भी है और सत्तू भी है और वो भी ना बटर भी है, बटर भी है, तो खूब कॉम्बिनेशन है, एनर्जी का भंडार है ये। तो भाई लोग मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ ये, तो थोड़ा हैवी रहेगा ना, थोड़ा हैवी होगा लेकिन पूरा दिन निकाल देगा, लास्ट टाइम तक बस कोई जरूरत नहीं है कुछ खाने की।
उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम सॉल्ट या शुगर डाल सकते हैं, शुगर भी डाल सकते हैं, हाँ शुगर भी डाल सकते हैं। तो अभी तो हम लाइक मैं तो फीका फीका ही पसंद करता हूँ, मेरे लिए तो एकदम बढ़िया है और हैवी हैवी है, तो लाइक बस इसी चीज़ की राहत है कि लंच तक अब कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही सारी एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो चलो अपने लोकल ब्रेकफास्ट पे डाइन इन करते हैं। सो गाइस सारा चरूल हमने ख़त्म कर दिया है, तो लाइक जैसे कि भैया ने बताया था कि हैवी होगा, लेकिन लद्दाख में इससे हेल्दी और लाइक एकदम सम्पूर्ण ब्रेकफास्ट कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट हूँ मैं कि हमने ये लाइक ट्राई किया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अब हम लोग अपना सामान पैक करेंगे और चलेंगे हम चुशूल के लिए, चुशूल से फिर हम हंडे जाएंगे।